हेलो प्यारे बच्चों। तो यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का आज अपन रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 तारीख है, ठीक है। 29 कर दी गई है अभी, हरियाणा की लास्ट डेट 29 है। तो अब आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे अपना CUET नंबर डालना है, साथ में अपना ही डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। जैसे ही आप ये दोनों डाल के लॉग इन करते हैं, आपको जो है जस्ट ऐसा कुछ विंडो शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपके देख सकते हो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा गया है, ठीक है। एंड जस्ट लाइक काफी टाइम लगता है ओटीपी आने में, और जो भी है आपको ओटीपी स्पैम फोल्डर के अंदर भेजा जाएगा। तो स्पैम फोल्डर के अंदर चेक करोगे एंड आपको जो अपना यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे एक कैप्चा डालना है, और हमारा ओटीपी अभी आया नहीं है ईमेल पे। तो पिछले मैंने बहुत सारे फॉर्म फिल किए हैं, ओटीपी आने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है गाइस। तो जस्ट अभी वेट करते हैं ओटीपी आने का, और ओटीपी आते ही इसके अंदर डालते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस ओटीपी आ चुका है एंड फाइनली सबमिट द ओटीपी। ओके अब क्या करना है, आपको CUET एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ एंड लॉगिन पे क्लिक करना, तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली लॉगिन हो चुका है। सॉरी, मैंने लगता है गलत लॉगिन कर लिया, फिर से लॉग आउट करना पड़ेगा। गाइस फाइनली देखो मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। आईफोन से यार फॉर्म मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को बताना आईफोन से रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैसे फ्री में लग गए हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने देख सकते हो फॉर्म पूरा फिल कर लिया है, ठीक है। हालांकि मैं आपको इसकी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखा नहीं सकता ड्यू टू सम इश्यूज, प्राइवेसी इश्यू। एंड द सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है इसके बाद, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको जो है एक बार अपनी सारी डिटेल जो है मैच कर लेनी है, ठीक है। देन आपको फिर से प्रोसीड पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके। फिर जैसे आपको फिर से ये कुछ डिटेल मांग रहा है कि आपने ये कुछ किया है कि नहीं किया, तो जैसे हम इसमें डाल देते हैं कि डू यू हैव एनी इलनेस, तो नो। एनसीसी सर्टिफिकेट, नो। आपके पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट है? तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज वगैरह पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सी आती है, तो मैंने डाल दी हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, बंगाली। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, फिर से हमको एक कंफर्म करने को बोलता है, फिर से मैं प्रोसीड पर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, ठीक है। एंड फिर से ये जस्ट कुछ फोटोज वगैरह हमारी शो कर रहा है। तो गाइस देख सकते हो यार, दो चीजें तो अपने आप सेलेक्ट ही रहती है, जैसे फोटो और सिग्नेचर। तो देन तीन चीजें हमें, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन कैटेगरी भी मांगता है। उसके बाद दो चीजें जैसे स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड हमें जो है अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों को दोनों हम डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, और एक ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। गाइस देख सकते हो मैंने सारे के सारे यहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दिए। अब मैं सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरे को पूछ रहा है कि कन्फर्म लॉक करना चाहते हो ना, बाद में आप कैंसिल या बैक नहीं आ पाओगे। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई कन्फर्म करना चाहते हैं। जैसे मैंने कन्फर्म किया, अब ये मेरे को प्रोग्राम पूछता है कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो। फिर मैंने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे जैसे बहुत सारे कोर्सेज मेरे को दिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस में सिविल इंजीनियरिंग को देता हूँ। तो यहाँ पे देखता है कि मैं मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यू हैव बीन नॉट अपियर एलिजिबल टेस्ट, ओके। तो मैं इसके लिए नॉट अप्लीकेबल हूँ। सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी यही कंडीशन है, एंड प्रिंटिंग के लिए भी यही है, एंड केमिस्ट्री के लिए भी यही सेम कंडीशन है, एंड मैथमेटिक्स के लिए मैं अप्लीकेबल हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं फिर से होम पे जाऊंगा, ओके। होम पे जाने के बाद मैं अप्लाई नाउ पे फिर से क्लिक करूंगा, ठीक है। एंड फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जैसे अंडर ग्रेजुएट, एंड फिर से मैं फिजिक्स देखता हूँ। फिजिक्स के लिए भी मैं अप्लीकेबल नहीं हूँ, केमिस्ट्री के लिए भी नहीं हूँ, इसके लिए भी नहीं हूँ, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी नहीं है, और इसके लिए भी नहीं है, ठीक है। तो गाइस मैं सिर्फ एक कोर्स के लिए एप्लीकेबल हूँ। फिर से होम पे जाऊँगा, ओके। होम पे जाने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जस्ट नेक्स्ट पे जाऊँगा, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल मांगने लग गया अभी। अब देखा जो बच्चे ऐसे थे ना जो अप्ली, कि ये जो बच्चा है इसने फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं दिया, इसने सिर्फ मैथ का एग्जाम दिया, तो ये सिर्फ मैथ के लिए अप्लीकेबल है। जो बच्चे सभी कोर्स के लिए अप्लीकेबल है ना, तो वो एक कोर्स पे अप्लाई करके फिर से होम पे जाएंगे, फिर से आप सारे के सारे कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सारे बच्चे ऐसे ही करेंगे, ओके।
अब जैसे मैं यहाँ पे 10+2 एंड जस्ट आगे बढ़ूंगा, इसके बाद ये मेरी सिंपल 12th वगैरह की डिटेल मांगने लग गया है। ठीक है, देख सकते हो यार गाइस, देखो मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी डिटेल भर ली है। अब यार जो बच्चे बोलते हैं कि भैया आप इतने पैसे कैसे लेते हो, ठीक है, तो यार देख सकते हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये फॉर्म को भरने में तकरीबन 3 घंटे लगते हैं, तब जाके सक्सेसफुली एक अच्छा जो है जस्ट लाइक करेक्टिव या फिर गुड फॉर्म फिल किया जाता है टीम की तरफ से। तो हमारे जो है पेड काउंसलिंग प्लान चल रहे हैं सीयूटी के रिगार्डिंग, आपके जस्ट लाइक डोमेन के हिसाब से, बेस्ट कॉलेज आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कौन सा मिलेगा तो वो आप ले सकते हो। हम जो है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सीयूटी एडमिशन ऑलमोस्ट 1000 रुपये में कंप्लीट करके दे देते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 रुपये के अंदर आपको सीयूटी कॉलेजों में एडमिशन मिल जाता है। तो आप सोच ही सकते हो कि जस्ट लाइक हम तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 1000 रुपये के अंदर आपको जस्ट लाइक एक जन्नत दे रहे हैं, तो जस्ट यू कैन अडोप्ट नाउ। ठीक है गाइस, और जस्ट आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। आपकी सारी की सारी जो प्रोसेस है वो हमारी टीम के द्वारा कंप्लीट की जाती है गाइस, एंड आपके कट ऑफ के बेसिस पे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे तो अप्लाई नहीं करेंगे काफी सारे कॉलेजों में कि भैया 40 कॉलेज है, अगर 1000 रुपये भी ये लोग ले रहे हैं तो 50,000 तो ऐसे चले जाएंगे। तो इसलिए आप जो है आपको कौन से कॉलेज में इस आपके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा तो वो आपको जरूर बता दिया जाता है आपके मार्क्स के बेसिस पे स्पेशली, तो जो है आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं क्या सारा सीन है। तो प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे दबा दिया मैंने, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे दबाया फिर से ये शो कर रहा है मेरे को डिटेल्स, मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ एंड ये कुछ अभी मेरे को शो कर रहा है कि आपने ये भर रखा है। ओके, फिर से नेक्स्ट पे जाऊंगा मैं, अब मेरे को डॉक्यूमेंट मांगेगा ये। ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। तो यार सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब हम जो है प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल चेकआउट कर लेनी है। चेकआउट करने के बाद पे फीस पर क्लिक करोगे, ठीक है, एंड आपको जो भी है अपनी यहाँ से अंडरटेक कर लेना है। ठीक है, अभी गर्ल्स कैंडिडेट है या फिर SC ST PWD वाले बच्चे हैं वो, उनका तो पेमेंट नहीं हो रहा बिकॉज उनके लिए फ्री है, एंड जो OBC एंड जस्ट लाइक जनरल वाले बॉयज कैंडिडेट वगैरह हैं सारे, उनको पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट ये देख सकते हो 300 रुपये ये ले रहा है। ठीक है, तो हम पे विद करेंगे HDFC क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, नेट बैंकिंग, UPI। तो अगर आप यार गूगल पे फोन पे से करना चाहते हो देन इस पे ऊपर क्लिक कर दोगे, देन आप जो भी है पेटीएम, फोन पे जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे कर सकते हो। साथ में आपको अदर UPI, PHIM वगैरह सभी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप अपने ATM कार्ड से करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, अपना ATM कार्ड के डिटेल वगैरह डाल के यहाँ से आपको 300 रुपये का पेमेंट करना है गाइस। ठीक है, तो यार इस प्रकार से आपको जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है आपको QR कोड वाला जो है आपके पास फॉर्म प्रिंट हो जाएगा, और इस प्रकार आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 सितंबर है, यानी कि 29 तारीख इज द लास्ट डेट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। पहले 26 तारीख थी, हालांकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 29 तक। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक सो मच।